ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रेवड़ी बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने मस्त दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ उसको। ये देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। दोस्तों, आज टेस्टी फूड में बनने जा रही है मकर संक्रांति स्पेशल तिल की रेवड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। मेरे सभी YouTube फैमिली को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल, यानी कि गुड़ और तिल की रेवड़ी। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है और अब हम इसमें अपने तिल को रोस्ट कर लेते हैं। हमें तिल को हल्की आंच में ही रोस्ट करना है, गैस को जो है फुल नहीं करना है, नहीं तो तिल जल जाएंगे, इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। दोस्तों, हम जब भी कोई तिल की रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें तिल को रोस्ट करना होता है, क्योंकि रोस्ट करने से इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। तो 2 से 3 मिनट हमको लग जाएंगे इसे रोस्ट करने में। इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहना है हमको। दोस्तों, मकर संक्रांति के टाइम पे तिल के पकवान तो हमारे घरों में बनते ही हैं, और उनमें सबसे पहला नाम आता है रेवड़ी का, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, अब से 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें रोस्ट करते हुए, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम गुड़ को इस तरीके से चाकू से क्रश कर लेते हैं। इससे हमें गुड़ को मेल्ट करने में आसानी होगी और टाइम भी बचेगा। फटाफट से इसको चाकू की मदद से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने गुड़ को अच्छे से क्रश कर लिया है। तो चलिए, अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है और इसमें मैं 2 कप गुड़ रखूंगी, यानी कि 250 ग्राम। जितनी हमने तिल लिए थे उतने ही हम गुड़ भी लेंगे, और अब इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल दूंगी ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। और अब इसको चलाते रहेंगे, धीरे धीरे से ये मेल्ट हो जाएगा। और गैस की फ्लेम हमें लो पे ही रखनी है, फुल नहीं करनी है, नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे, ये अपने आप ही थोड़ा थोड़ा देर में मेल्ट होता रहेगा। और जो भी आपको गुठलियाँ दिख रही हैं इसमें, इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। जितने जल्दी से मेल्ट हो जाता है ना, अगर हम गुड़ को इस तरीके से क्रश कर देते हैं तो ऐसे ही इसको मेल्ट होने देते हैं और लगातार इसको चलाते रहेंगे आप। दोस्तों, रेवड़ी तो मकर संक्रांति में बनती ही है, पर कैसे आप इसको एक आसान तरीके से बना सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिए। एक एक टिप्स और ट्रिक मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगी ना कि आप भी इस मकर संक्रांति इसको जरूर बनाओगे। ये देखिए, अब ऊपर को उबलने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी और इसको भी चला देंगे। बहुत ईजीली ये भी मेल्ट हो जाएगा। इसमें घी हमें इसलिए इसमें डालना है क्योंकि साइडों में जो है गुड़ चिपकेगा भी नहीं और हमारी रेवड़ी में अच्छी सी साइन आएगी। इसी तरीके से इसको लगातार चलाते रहना है और गैस को सिम ही रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने गुड़ को चेक कर लेते हैं। एक बार मैंने पहले भी चेक कर लिया है इसमें, तो अब हम फिर से चेक करते हैं। तो यूं ही हम इस कटोरी में डालेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे टूट रहा है ये। तो ये हो चुका है, अब हमारा गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मिला लेते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। इसको भी मिला लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही गुड़ में झाग आने लगे तो आप इसमें इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा मिला लें, और जैसे ही गुड़ टॉफी की तरह टूटने लगे तो आप इसमें फटाफट से तेल मिक्स कर लें, और नीचे निकालने से पहले आप किसी बर्तन या बोर्ड को घी से ग्रीसिंग जरूर कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, निकालने के थोड़ी देर में जैसे ही हल्का ठंडा हो जाए तो बिना देरी किए आप इसकी रेवड़ी बना लें और किसी की हेल्प ले लें, और ठंडा होने से पहले फटाफट इन्हें बना लें।
और अब हम इसमें अपने तेल डाल देंगे। दोस्तों ये वाली प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करनी होती है, नहीं तो गुड़ जम जाता है, तो ये प्रोसेस को हम थोड़ा स्पीड करेंगे। तो अब हम इसको एक प्लेट में लेते हैं, अब हम गैस को बंद भी कर देंगे। हमने इसे पहले से घी से ग्रीस कर लिया था और अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखा है, तो इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और हम फटाफट से इसकी रेवड़ी बनाना शुरू कर दें। ये बहुत ही जल्दी चिपकने भी लगता है, ये एक ही साथ इकट्ठा हो जाएगा, बहुत जल्दी जम जाता है ये, तो हमें जो भी करना है फटाफट करना है। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से लोई बनानी है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। ये देखिए इसे हमें इसको लेना है, ये देखिए, और ऐसे इसको प्रेस कर देना है। ये देख सकते हैं आप, सारे हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रेवड़ी बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने मस्त दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ उसको, ये देखिए एकदम, आप देख सकते हैं कि तोड़े से आपको आइडिया लग सकता है कि कितने क्रंच हो रहे हैं ये। उसके अंदर तक का टेक्सचर देखिए, अंदर तक पूरा तिल इसके गया है और खाने में भी एकदम तिल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक दिखाती हूँ उसको नीचे गिरा के, ये देखिए आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो जैसे इनकी आवाज हो रही है वैसे ही ये खाने में भी एकदम क्रंची से हो रहे हैं। ये देखिए